जाओ ना, कौन देखेगा तुमको। सब कुछ मेरे को मिल गया अगर आज मैंने तुम्हारा केस पकड़ा है, आज तुम्हें केस पकड़ की पता है कि नहीं? नहीं पता। सिस्टम होता है बीवी जिस दिन उसका काम रहेगा सुबह 6 बजे से मेरे को बुलाता रहेगा, और आज उसका काम नहीं है करके, छुट्टी है करके, देखो सो के पड़ा है। सुबह हो गया 9 बज रहा है, सो के पड़ा है। फास्टिंग भी है उसके साथ साथ, क्योंकि श्रावण महीना का पहला सोमवार है, सो आज फास्टिंग है क्योंकि पानी डालने जाना है उसको। देखना जंगल में जितना भी शेर रहता है कितना सुंदर दिखने में होता है, फिर जो मोर मतलब पीकॉक रहता है कितना सुंदर दिखने में होता है, पीकॉक जो रहता है कितना सुंदर दिखने में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो शेरनी होता है कितना बदसूरत होता है, उतना अच्छा दिखने में नहीं होता। फिर पीकॉक होता है उतना अच्छा दिखने में नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है पता है? नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे ब्यूटी पार्लर। वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पॉम्प बाइसेप्स। मेरे को अभी जाना पड़ेगा बाहर, थोड़ा सा उसका पूजा का सामान वगैरह सब कुछ लाना पड़ेगा। यहाँ पे तो फूल वगैरह नहीं मिलता, फूल लाने के लिए मेरे को कोड लेयर से ऑर्डर देके लाना पड़ता है, तो यहाँ पे फूल तो नहीं मिलेगा। घर के सामने फूल का पेड़ है, तो वहाँ से ये फूल वगैरह सब कुछ ले लेगा, और मैं मार्केट से वो हनी, फिर दूध, फिर मिठाई, ये सब कुछ लेके मैं आया। आज से मैं 365 डेज व्लॉग डालने वाला हूँ, और मैं फैमिली व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग, फिर मोटो व्लॉगिंग व्लॉग, सारा तरीके का व्लॉग मेरा चैनल में आने वाला है। मैं जब भी जो एक्सपेरिमेंट करूँगा तब भी वो डालने वाला हूँ, लेकिन 365 डेज मेरा व्लॉग आने वाला है। कोई एडिट नहीं, कोई कट नहीं, जो होने वाला है सब कुछ मैं डालने वाला हूँ। सुबह अभी निकलता हूँ, मेरा ड्रेस थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है ये वाला, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। नीचे पैंट तो मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ड्रेस प्यू ड्रेस निकाल के दो, एक टी शर्ट निकाल के दो, ये वाला कैसा लग रहा है? क्या यही पहन के जाओ ना, कौन देखेगा तुमको। नहीं नहीं, एक दो अच्छा वाला, एटलीस्ट ये टाइट फिट हो गया, मेरा पेट निकल गया अभी, कैसा लग रहा है? पेट निकल गया है, सब लोग देखेगा तभी तुमको ये आएगा कि पेट ये करना है। अभी जिम जाता हूँ, अभी करता हूँ मैं वर्कआउट, करता हूँ, कम किया, बहुत कम किया है। एक दिन पेट निकाल के जाओ तभी लोग देखेगा, तभी आगे पीछे पीछे से उठ जाता है, यहाँ से उठ जाता है इसी। तो ये टॉप मुझे, ये शर्ट मुझे दे देना, ठीक है। सो मैं अपना कैमरा को घर पे रख के जाता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कैमरा लेके फिर बाइक पे चलाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो कैमरा को घर पे रख के जाता हूँ, अपना फोन कैरी कर लेता हूँ, जो भी ब्लॉग करूँगा फोन में कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोन ले लिया, ये वाला छोटा मास्टर ब्लास्टर और मेरा कैमरा वाला फोन, एंड मैं वीडियो पूरा वीडियो अपना ड्रेस चेंज कर दिया, सो के पड़ा है, मूवी देख रहा है, मूवी 1921 देख रहा है। मैं सोचा था कि यहाँ पे बेल पेड़ वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे शायद से मेरे को नहीं मिलने वाला, जो जो मैं ढूंढ रहा हूँ पूजा के लिए वो सब कुछ मेरे को नहीं मिलने वाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब कुछ मेरे को मिल गया। अगर आप सही श्रद्धा से भक्ति से आप सोचोगे आपको चाहिए तो सही में मिल जाएगा, मेरे को सही में मिल गया। बेल पत्ती, बेल, फिर हनी, फिर मतलब सब कुछ पूजा के लिए जो जो चीज़ चाहिए, दूध वूध सब कुछ मेरे को मिल गया, और पूजा के लिए जितना क्वांटिटी मेरे को चाहिए था उतना क्वांटिटी मेरे को मिला। मैंने यहाँ पे रख दिया उसको, अभी जब ही पीयू पूजा करने के लिए जाएगा उसको लेके जाएगा, पूरा पैक करके रखा, नेक्स्ट टाइम से और प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने पेड़ भी देख लिया है कहाँ पे है, तो वहाँ पे जाऊँगा, पेड़ से थोड़ा सा बेल, फिर बेल पत्ती, एंड कहाँ पे दूध मिलेगा, कहाँ पे क्या क्या सामान मिलेगा, हनी वगैरह सब कुछ मैंने देख लिया, वहाँ से लेके आ जाए। दिन छुट्टी मिलता है थोड़ा, हम लोग मानते हैं कि लेट से उठते हैं, थोड़ा सा लेट से उठ के फिर थोड़ा बहुत घर का काम हम लोग कर लेते हैं। मैडम को देखो, अभी टाइम देखो 10:15, जिस दिन ड्यूटी रहेगा ये टाइम में ड्यूटी में चला जाएगा, और अभी देखो 10:15 को उठ के क्या कर रहा है काम। मैं बाहर जाके जो जो सामान पूजा का चाहिए था सब कुछ मैं लेके आ गया, थोड़ा सा नाश्ता मैंने खा लिया क्योंकि मैं भूखा पेट रह नहीं सकता, लेकिन मैं आज वेज खाने वाला हूँ, और फास्टिंग करना पड़ता है, सो इसलिए फास्टिंग में और मैं वेज खाता हूँ, क्योंकि मैं फास्टिंग नहीं कर पाऊँगा, मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो मैं अगर फास्टिंग किया तो मेरा एसिड सर तक आ जाएगा। वो बोलता है आते साथ तुम कपड़ा मेलो, बाहर जाके कपड़ा मेलो, कपड़ा को सुखाने के लिए मेल दो, टांग दो वहाँ पर,
अच्छा ठीक, मैं जाऊंगा, मैं लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, तुम घर का थोड़ा बहुत तो काम कर लो। आज मैंने तुम्हारा केस पकड़ा है, आज तुम्हें केस पकड़ के ही छोड़ूंगा। दया कुछ तो है, दया कुछ तो है, आज CID का दया हुआ हूँ मैं, कुछ तो पकड़ूंगा मैं। सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम मतलब पता है तुमको, सिस्टम पता है कि नहीं? ऐसा ही ब्लॉग बनाने में सही में मेरे को मजा आता है कि नॉर्मल कैमरा पकड़ो, दिन भर जो जो मौज मस्ती करते वो सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते रहो, दिन का एंड में एक ऐप में डालो, सब एडिट होके निकल जाएगा। थोड़ा सा जहाँ पे कट कुट लगाना होता है कट कुट लगाओ, थोड़ा सा म्यूजिक डाल दो, काम खत्म। क्या बोलते हो, ये बात सही रहेगा कि नहीं? ऐसा ब्लॉग बनाना सही रहेगा कि नहीं, बोलो। देख झाड़ू का, अरे सब्सक्राइबर को झाड़ू नहीं दिखाना चाहिए, सब्सक्राइबर लोग तो देखते हैं, उन लोगों को तुम झाड़ू दिखा रहे हो। शेयर करना पड़ेगा, बढ़ गया है बियर्ड, ऐसा वाला रखने से अच्छा लगता है। चीज़ तो है, मैंने देखा कि GoPro होने से मेरा फ़ायदा क्या है कि अभी कैमरा को मेरे को ऐसे पकड़ना पड़ता है और थोड़ा सा वेटी भी लगता है। GoPro होता कितना हल्का चीज़ है और मैं ऐसे ही फटाक करके पकड़ा रहता, स्टेबिलाइज भी उसका बहुत अच्छा है। इसका स्टेबिलाइज स्विच है लेकिन कुछ काम का नहीं है, मतलब ऐसा है घर में कॉलिंग बेल है लेकिन ऑरिजिनली जो बेल जो बजने वाला है वो घर में नहीं है, सिर्फ स्विच। इसका भी कंडीशन वैसा ही, घर कितना काम करता है देखो, सिर्फ एक झाड़ू लगाएगा घर में पोछा मारेगा और बोल देगा मैं कितना काम किया हूँ, तुम सुबह सुबह क्या किया, कुछ नहीं किया। मैं जो इसीलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि आज सुबह से मैंने क्या क्या काम किया, क्या क्या मैं लेके आया बाहर से, और मैं रिकॉर्ड किया इसीलिए ताकि बाद में अगर बोलेगा ना तो मैं केस पकड़ सकता हूँ। अभी क्या बोलता है, अभी ब्रो तो पालन करता है करके, अभी उसको गाली नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं खाना खा के आया, बोलता है मेरे को मैं झूठा है, हाँ मैं अभी झूठा है, इतना दिन शादी करने के बाद मैं अभी झूठा है। तो आज मेरा ब्रो तो है ना, अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए मैं झूठा हूँ आज, मैं खाना खा के आया करके मेरा गलती है, गलती नहीं है, मुझे छूना नहीं आज। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, फिर तो कपड़ा वपड़ा वो सब मेल नहीं सकते क्योंकि इसमें तो इसका भी कपड़ा है, वो तो झूठा हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से मेरा तो आज कुछ काम नहीं है, मैं तो आराम से सो उसका बात ही मैं बोला, सिस्टम सिस्टम है भाई, सिस्टम के बाहर कुछ नहीं कर सकते। मेरा बालों को क्या हुआ, बचपन में जब मैं ऐसे नॉर्मली कुछ जेल क्रीम वगैरह नहीं देता था, ऐसे नॉर्मली हाथ एक बार घुमाता था खड़ा हो जाता था। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा ऐसा खड़ा होके रखा है, स्पाइक हो गया, थोड़ी देर के बाद ही ऐसा पूरा सो जाएगा, मतलब इतना सिल्की और इतना हल्का हो गया है बाल। एक्चुअली वो टाइम में वॉल्यूम भी अच्छा था और जो मतलब इसका जो मतलब नीचे वाला जो हिस्सा था, नीचे वाला जो पार्ट था वो बहुत मोटा मोटा था, तभी मेरे को सर्दी भी पकड़ लेता, अभी भी पकड़ता है लेकिन तभी और ज़्यादा, थोड़ा सा बड़ा होता तो सर्दी पकड़ लेता, इसलिए छोटा छोटा एकदम आर्मी लोगों की तरह, आर्मी में जैसा छोटा छोटा बाल रखना होता है वैसा सेम मेरे को रखना पड़ता था वो टाइम में। अभी तो फिर भी चलो थोड़ा सा बड़ा करके रखता हूँ, थोड़ा सा इतना इतना बड़ा तो रख ही सकता हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं मेंटेन करता हूँ क्योंकि टाइफाइड है, मैंने पहले ही बताया था टाइफाइड है, मतलब पूरा मेंटेन करके रखना होता है, थोड़ा सा भी ठंडा पकड़ लेगा बस फिर सर्दी लग जाएगा, और सर्दी लगेगा तो एक ही बारी में ठीक नहीं होता। मेरा दिन का ऑलमोस्ट काम हो गया है ख़त्म, और देखो वो उसका अभी तक सिर्फ झाड़ू पोछा लगाया है और बाहर कपड़ा वगैरह टंगा दिया, मेरे को पहले बोला मैं टंगाया कपड़ा उसके बाद ये आया, नहीं तुम अच्छे से उसको टंगा नहीं रहे हो, उसको पहले पानी निकालो फिर उसके बाद उसको टंगाओ, तुम करो मेरे को करना नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगाया, वहाँ से यहाँ तक आया, फिर ले लिया मेरे से, मेरा हाथ से हैंड ओवर ले लिया, मैं सही बोल रहा हूँ करके फेस देखो, फेस कैसा बना रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पूरा सही एकदम बात। फ्रिज के पीछे से कौन निकाला, हाँ तो तुम निकाले, ऑब्वियसली मैं उतना नहीं देखता, कोई लड़का उतना उतना ज्यादा झाड़ू पोछा मारता है, देखना होगा। अच्छा देखना होगा तो तुम देखो, थोड़ा सा एक दिन छुट्टी मिला तुम देखो। हाँ मैं डेली वो जब ऑफिस चला था मैं डेली झाड़ू पोछा मार देता हूँ, लेकिन ये आज किया, देखो 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 फेस कैसे बना रहा है, देखो फेस कैसे बना रहा है, मैं इसको डेली झाड़ू पोछा मैं मारता हूँ, इसीलिए मैं बोला कि नहीं अभी से मैं डेली ब्लॉग शुरू करूँगा 365 दिन, ताकि इसको भी पता चले मैं घर में क्या काम करता हूँ, क्या क्या करता हूँ, क्या क्या नहीं करता हूँ, सारा कुछ मेरे को भी मालूम पड़ेगा, इसको भी मालूम पड़ेगा और आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा। देखो बॉस, ऐसा बीवी का अगर केस लेना चाहते हो ना तो थोड़ा सा हिम्मत होना चाहिए, थोड़ा सा बूढ़ा होना चाहिए, ऐसा केस कभी मत लो, लड़ जाओगे घर में पड़ेगा, माता मुता फूट जाएगा। देखो बीवी से ऐसा अगर लड़ोगे तो सिस्टम जानना होगा, और सिस्टम के अंदर रहोगे तो ये सब कर पाओगे, सिस्टम मतलब सिस्टम ही होता है,
वो सिस्टम में रहोगे तो सारा कुछ ठीक ठाक चलेगा। इतना बिग बॉस कभी नहीं देखा, सिर्फ ये वाला एपिसोड में देख रहा हूँ, ताकि दोनों यूट्यूबर वहाँ पे पूरे इंसान एलविश यादव, और एलविश यादव जब से गया है एलविश भाई तो पूरा बिग बॉस का सिस्टम हैंग करके रखा है। मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब अलग ही मैच चल रहा है वहाँ पे, अलग ही गेम चल रहा है। तो देखने में मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। इससे पहले तो मतलब घटिया तरीके का, अभी मैं सोचा कि खाने के लिए जाएगा, थोड़ा इतना देर तक बिग बॉस देखा, अभी 2 बजता है खाने के लिए जाएगा, और बाहर का वेदर देखो, बारिश आने का एकदम वेदर बन चुका है। अभी फटाफट जाना, खा के आना, अगर बारिश में फंस गया तो ख़त्म। देखो बस, एक तो बारिश होता है जो नॉर्मली गिरता है, आप एक रेनकोट पहनो या तो छाता लो चले जाओ, लेकिन ये कैसा बारिश है भाई, ना रेनकोट मानेगा ना कुछ मानेगा, मैं कहीं पे नहीं जा सकता, लिटरली भिगा देगा, और ऐसा भिगाएगा कि मतलब आपका सर्दी पक्का है। इतन मेरे को अभी बोल के गया है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी बाहर गया इतना बारिश में मतलब भीगेगा, अभी जाके देखते हो क्या कर रहे हो। देखो बाहर नहीं हो, देखो इसका काम देखो, बैठ बैठ के भीग रहा है। पानी भर रहा है, उसका मेन मोटर है भीगना, और पानी नहीं आता है इसीलिए पानी भर। हाँ हाँ, मेन मोटर है भीगना और कुछ नहीं। सुबह गुस्से में देखो मेरा जूता, एक दो, हाँ वो मानता हूँ मैं, ठीक है अभी पानी भर रहे हो, मेन मोटर तो भीगना है और तो कुछ नहीं है। मेन सिर्फ इसका कोई बात का भरोसा नहीं, सिर्फ इसको भीगना है। बाहर आके मेरे को बोल गया, मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा काम है, बाहर गया मैं तभी पबजी खेल रहा था, मेरे को लगा कि ये बाहर जा रहा है इतना दौड़, इसमें मतलब कुछ ना कुछ तो करेगा, भीगेगा ही गारंटी है। बाहर आके वही देख रहा हूँ, देखो अभी नहा के निकला फिर से भीग रहा है, मतलब देखो अगर सर्दी लगेगा इसको ना फिर मैं इसको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी सर्दी जुकाम लगेगा उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। कहीं मैं, मेरे को बहुत जोर का भूख लगा है, बारिश रुकेगा तो ही मैं जा सकता हूँ, बारिश नहीं रुकेगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बार नहा के निकला उसमें नहीं हुआ, फिर दूसरा बार उसको नहाना है बारिश में, फिर जाके अंदर नहाएगा और रात को आके बोलेगा बाबू मेरा ना सर में पेन हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा ना कैसा जुकाम जुकाम लग रहा है, मेरे को थोड़ा सा फीवर हाई फीवर लग रहा है मेरे को, ऐसा बोलेगा रात। देखो मेरा फास्टिंग है, इस फास्टिंग में अगर मैं उसके साथ पूरा हेल्प का दूसरा होगा तो इसलिए मैं आज रोटी खा के आया, मैं बोला मैं चावल नहीं खाएगा रोटी खाएगा, क्योंकि सारे रोटी खाएगा रोटी खा के ही आया, मैं बोला नहीं ऐसा चावल वावल नहीं खाना है, मेरे को रोटी खाना है, रोटी खाया। देखो इसको तो पूजा देना है, पूजा देगा उसके बाद ही कुछ खा सकता है, लेकिन यहाँ बारिश होता है, थोड़ी देर वेट करेगा, देखेगा बारिश नहीं रुकता है तो रेनकोट पहन के चला जाएगा, जाके पूजा देगा। जस्ट मैं लौटा पूजा देते हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है इस वाला ब्लॉग को ख़त्म करने का, सो ब्लॉग को यहीं पेंट कर देता हूँ। अगर यहाँ तक ब्लॉग अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, एंड ऑब्वियसली जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा दो। कल का ब्लॉग के लिए मैं प्रिपेयर होता हूँ, कल क्या टॉपिक में ब्लॉग बना, आज जैसे इसका मैं सिस्टम इसका पूरा एकदम केस मैंने ले लिया, तो कल तो कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑफिस चला जाएगा, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा कल का, मैं सोच लेता हूँ आपको, तब तक इस ब्लॉग को देख लो। परसों का ब्लॉग तो अभी से ही बता दो कितना होने वाला है, का ब्लॉग तो अलग लेवल पे होने वाला है, शायद से मैं फोन सक कैमरा से ही कैरी करने वाला हूँ, सो देखता हूँ।